जैसे आप सब देख सकते हैं सूजी अच्छी से बन गई है। उसका थोड़ा नहीं है अभी, बुनी अभी कहाँ बुनी है, उसे बहुत भुनना है। अभी तो ये वाइट दिख रही है, ये थोड़ा सा ब्राउनिश में आ जाएगी, लेकिन हम इसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली यहाँ पे जो है वो बनाते हैं चीनी का पानी, चाशनी चाशनी। यहाँ पे चाशनी बन रही है, यहाँ पे सूजी बन रही है, ये देखिए ठीक है। इसमें हमने इतना पानी डाल दिया। सबसे अच्छा वो होता है कि तुम्हें किसी चीज़ से नापना ना पड़े, तुम्हारा अपना अंदाजा इतना अच्छा हो कि तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम ही ना हो। मैं कभी भी कोई चीज़ नाप के नहीं करती, मैं हर चीज़ को अपने अंदाजे से करती हूँ। मेरा अंदाजा हमेशा परफेक्ट होता है क्योंकि मेरी मम्मा है इसका प्रोफेशनल। अब हम डालेंगे इसमें, देखिए अपने आप देखिए इसको, सूजी को देखो, सोचो कि सूजी कितनी फूली है, और उसके हिसाब से हम इसके अंदर चीनी डालेंगे ठीक है। ये ढक्कन डाल दी, दो ढक्कन डाल दी, और बहुत थोड़ी सी और डाल दी, बस इससे ज़्यादा हमें चीनी की जरूरत नहीं रहेगी। और हलवे में चीनी ज़्यादा ही अच्छी लगती है, बस चीनी इतनी खानी नहीं चाहिए है ना। इसको भी ध्यान रखते रहिए कहीं ये जल ना जाए, क्योंकि अगर ये एक बार जल गया तो ये बहुत ही बुरा लगता है, और हमारी जैसे लागत है वो भी सब खराब हो जाती है। मेरे इससे हाथ बहुत दुखते हैं, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। मेरे हाथ हट रहा है, इसको भी चला। अभी हमने डाला है इसमें इलायची पाउडर, और मैंने इलायची पाउडर ढूंढ के भी ले रखा कि कहाँ पर है।